हर रोज नींद से उठना, भगवान केदारनाथ का स्टेटस व्हाट्सएप पे लगा के फिर से सो जाना। हर रोज यही चल रहा था, लेकिन आज आज नहीं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? मुझे पता है आप सब अच्छे ही होंगे और मैं भी हमेशा की तरह अच्छा ही हूँ। अभी मैं हूँ सातारा में, महाराष्ट्र में, और मेरे नीचे आप देख रहे होंगे पूरी सातारा सिटी दिख रही है। और आज हम फाइनली दोस्तों, आज हम केदारनाथ की ट्रिप के लिए निकलने वाले हैं। आप सबका भी ड्रीम है और मेरा भी ड्रीम है, मुझे पता है केदारनाथ जाना सबका ड्रीम है, लेकिन आज हम वो पूरा करने वाले हैं, मेरा भी और मेरे साथ आपका भी। तो आप सब बने रहिए मेरे साथ। और मैं यहाँ से अहमदाबाद जाने वाला हूँ सातारा से, और अहमदाबाद में मेरा एक दोस्त मिलेगा मुझसे, वहाँ से दिल्ली, और दिल्ली से फिर केदारनाथ निकलेंगे। जो भी मेरे तरह कोई केदारनाथ जाना चाहता है और जाने वाला है, तो आप सब लोग मेरा व्लॉग पूरा देखिए, मेरे साथ व्लॉग एंजॉय कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या सिचुएशंस आती है। तो दोस्तों चलो, पैकिंग अभी करना बाकी है, मैंने सारा सामान निकाल लिया है, आप सबको लोगों को भी दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए, मैंने ये सब चीज़ें जो सॉर्ट आउट करके रखी है, और ये सभी चीज़ें हमें लेके जानी है केदारनाथ। तो मैंने ये ट्रैकिंग बैग लिया है जिसमें ये सब सामान जो चीज़ें रखी है ये सब पैक करनी है। और यहाँ पे मैंने शर्ट वगैरह लिए है, कुछ पैंट लिए है, और ये जर्किन वगैरह कुछ लिए है, और शूज़ लिए हैं, फिर रेनकोट लिया है, और सॉक्स वगैरह सब कुछ लिया है, और एक पाउच लिया है जिसमें मैंने सब जो नेसेसरी चीज़ें होती है जैसे कि टूथपेस्ट, ये सब मैंने इसमें रखा है। और साथ में ये कुछ मेडिसिन दवाइयाँ भी रखी है, जैसे कि कुछ हेल्थ का इशू हो जाए, जैसे सर्दी जुकाम और कुछ पेट का कुछ इशू हो जाए, तो मैंने सब मेडिसिन साथ में लिए है। और अब इस सब जो चीज़ें रखी है इनको मैं इस बैग में पैक कर लेता हूँ। तो दोस्तों फाइनली सब कुछ सेट हो चुका है, और ये देखो ये सब पैक करके मैंने इस बैग में लिया है, और इतना इसका वेट हो गया कि वो चल भी नहीं रहा है मुझसे। ए उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। तो सब कुछ पैक हो चुका है अभी, और लंच वगैरह कर लिया है मैंने। तो चलो अपनी जर्नी आप भी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जर्नी मी फाइनली तो पहुँचलो है पुण्यात, और अब यहाँ से हमें ट्रेन से सफ़र करना है। अभी बस का जो सफ़र था वो यहीं पे ख़त्म हो गया है, और अभी यहाँ से हमें रेलवे स्टेशन जाना है। तो बस स्टेशन से अभी मैं रेलवे स्टेशन आ गया हूँ, और अभी यहाँ से ट्रेन जो है अपनी वो 7 बजे, और अभी बजे है 5:05, तो लगभग 2-1.5 घंटा है। अभी हमें वेट करना पड़ेगा, तब तक कुछ पेट पूजा कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो कुछ खा लेते हैं। तो अभी खाने के लिए वड़ा पाव और समोसा ले रहे हैं, और 2-4 पार्सल ले रही है, ताकि ट्रेन में कुछ खाने के लिए अगर भूख लगे तो मिल जाए, पता नहीं कल फिर मिले या नहीं। और जो खाना यहाँ रेलवे स्टेशन पर मिलता है इसके टेस्ट अच्छी, मतलब कोई दिक्कत नहीं, अच्छी है। अभी 7:19 है, और हमारे जो एक्सप्रेस है पुणे अहमदाबाद एक्सप्रेस, वो 8:20 आने वाली है। तो अभी हमें यहाँ से पता चला है कि जो हमारे एक्सप्रेस है अहमदाबाद एक्सप्रेस, वो प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पे आ रही है, तो हम उस तरफ जा रहे हैं। और दोस्तों अच्छी बात ये है कि हमारा जो टिकट था वो भी अभी कंफर्म हो चुका है, कंफर्म मतलब RAC मिला है, मतलब एक सीट ही दोनों में शेयर करनी पड़ेगी।
को अभी ट्रेन आ चुकी है और जगह वगैरह सब कुछ मिल चुका है। अभी मैं 60 सीट पे बैठ गया हूँ। वहाँ पे एक दो अंकल मिले, उनसे भी दोस्ती हो चुकी है, बातचीत हो चुकी है। तो अभी मैं खाना मंगा चुका हूँ, खाना भी आ चुका है। तो अभी खाना भी ना खाऊँगा और फिर सो जाऊँगा। तो दोस्तों अभी डायरेक्ट अहमदाबाद में सुबह मिलते हैं। अहमदाबाद में देखेंगे कहीं जाना है या कहीं कुछ देखना है। अभी अहमदाबाद में और एक दोस्त आएगा तो दोस्त से मिलेंगे और वहाँ से दिल्ली की ट्रेन पकड़ के वहाँ से जाएंगे। तो चलो इस व्लॉग में इतना ही। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। और केदारनाथ की पूरी से पूरी सीरीज आने वाली है, तो अगला व्लॉग भी आने वाला है जल्द ही। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो।